छत्तीसगढ़ में कोरोना ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 2106 मरीज मिले, तो वहीं 430 स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। साथ ही 28 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 3,29,649 हो गई है। इनमें से 3,13,749 मरीज ठीक हुए हैं और कुल 4,011 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,934 हो गई है। मार्च के 24 दिन में प्रतिदिन 8 की औसत से 150 से ज्यादा जाने गई है। वहीं बैरन बाजार SBI ब्रांच में पदस्थ 11 अधिकारी कर्मचारी पॉजिटिव भी मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कोरोना की दूसरी लहर और मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर कहा कि सरकार अब इस मामले में सावधानी और जांच के मामले में सख्ती बरतेगी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन अब तक कहीं भी कारगर साबित नहीं हो पाया है, इसलिए ऐसा कोई विचार नहीं है। राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अभी भी मास्क लगाने, भीड़ से बचने की जरूरत है। लोगों ने यह धारणा आ गई है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अब मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह गलत धारणा है। विशेषज्ञों के अनुसार वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण से बचने के लिए कोरोना अनुकूल व्यवहार करना, मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी रखना आवश्यक है। साथ ही बुजुर्गों को विशेष रूप से और 45 वर्ष से अधिक सभी लोगों को वैक्सीन जरूर लगना चाहिए।